गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन अवर डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग मीन्स बेटा व्हेन यू राइट द डायरी एट द नाइट एंड यू राइट द होल रिकॉर्ड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड इन द डे, दैट इज कॉल्ड डायरी राइटिंग। इन डायरी राइटिंग बेटा यू हैव टू राइट योर रूटीन एक्टिविटी That happened in the day. जो दिन की एक्टिविटीज जो भी आपने की होती हैं that you have to write in your diary. And what's the format of diary writing? Now बेटा देखिए, first of all we will read the topic. You were fiddling with your papa's iPhone. Fiddling means playing. आप अपने पापा के iPhone के साथ प्ले कर रहे थे when it suddenly slipped. Off your hands, जब अचानक से वो आपके हाथ से स्लिप हो जाता है and fell on the marble floor, और मार्बल फ्लोर पर गिर जाता है। What happened next? Now you have to write what happened next. इसके बाद क्या होता है? When you start writing diary, you have to mention three things. First, day. आप day mention करेंगे, कौन सा day है? But don't write day, date, time. Only mention day after this date. Date आप mention करेंगे and after this you have to mention the time. रात time है जो वो आप रात का mention करेंगे because we write the diary before sleeping. सोने से पहले हम write करते हैं. So these column and three things are more important before writing the diary. And these are day, date and time. Now बेटा you have to skip one line. अब आप एक line skip करनी है and mention dear diary. And in dear diary D capital, diary का D capital. तो dear diary because we address the diary. And diary is like our friend. Diary हमारे friend की तरह होती है. Those things we can't say to anybody else, we can राइट इन दी डायरी। जो चीज़ हम किसी से नहीं कह सकते वो चीज़ें भी हम अपनी डायरी में राइट कर सकते हैं। सो डायरी इज लाइक अवर फ्रेंड, फ्रेंड की तरह। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बेटा यू हैव टू राइट इन पास्ट टेंस, क्योंकि यू टेल दी थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट। आप उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो पास्ट में हैपन हुई है। सो इसमें आप क्या मैंशन करेंगे? सारी चीज़ें पास्ट में, पास्ट में आ जाएंगी, आपकी कोई भी चीज़ आपकी प्रेजेंट में नहीं आएगी। अब देखिए, अब आपको टॉपिक लिखना है फिडलिंग विद योर पापाज़ आईफोन व्हेन इट स्लिप्ड फ्रॉम योर हैंड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू री रिलेट द टॉपिक, यू हैव टू रिलेट द स्टोरी। आपको अपने आप को रिलेट करना है स्टोरी से। हाउ टू रिलेट द टॉपिक विद द स्टोरी, कैसे रिलेट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव सम एक्सप्लेनेशन कि कैसे गिरा आपके हाथ से फोन। देखिए, द डे वुड हैव बीन अनदर यूजुअल डे, द डे वुड हैव बीन अनदर यूजुअल डे कि वो दिन भी दूसरे दिनों की तरह था। इफ आई हैड नॉट बीन टेम्प्टेड टू पिक अप पापा न्यू आईफोन, अगर मैंने पापा का न्यू आईफोन ना लिया होता, लाइंग ऑन द ड्रेसर, ड्रेसर के पास से मैंने ना उठाया होता, तो फिर क्या होता? दैट वॉज द यूजुअल डे, दूसरे दिनों की तरह दिन था। देखिए यहाँ पर सब जगह पास्ट टेंस का यूज हुआ है, वुड हैव बीन का यूज हुआ है, आई हैड नॉट बीन का यूज हुआ है, तो यू हैव टू यूज पास्ट टेंस। इट वॉज अराउंड 3:15 PM। आपको बेटा इसमें पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए जो चीज़ आपके साथ दिन में हैपन हुई है वो आपको अच्छे तरह से याद रहती है, तो आपने उसको बड़े अच्छे ढंग से पर्टिकुलर सही बातें बताओ। जैसे 3:15 PM, 3:15 का टाइम था, व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आया था, पापा हैड रिटर्न आफ्टर अ वीक लॉन्ग बिजनेस टूर, पापा भी एक लंबे बिजनेस टूर से आए थे, एंड आई वॉज एक्साइटेड टू सी हिज न्यू आईफोन, और मैं पापा के नए आईफोन को देखकर बड़ा ही एक्साइटेड था। आई पिक इट अप, मैंने इसको उठाया एंड स्टार्टेड फिडलिंग विद इट,
और इसके साथ प्ले करना, फीडलिंग मीन्स प्ले करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ तक रिलेट है कि पापा का आईफोन, हाउ द आईफोन फेल, कैसे आईफोन गिर गया। तो क्या किया, व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल पापा हैड रिटर्न आफ्टर अ वीक लॉन्ग बिजनेस टूर, पापा भी बिजनेस टूर से आए थे, एंड आई वाज, देखिए पास्ट टेंस, आई वाज एक्साइटेड टू सी हिज न्यू आईफोन। हो जाते हैं ना हम, व्हेन सम न्यू थिंग्स वी बिकम एक्साइटेड लाइक दिस, वी बिकम सो एक्साइटेड, आई पिक इट अप एंड स्टार्टेड फीलिंग विद इट, इसके साथ प्ले करना स्टार्ट कर दिया, देन इट वर्स्ट हैपन, तब वर्स्ट, देखिए वर्स्ट हैपन पास्ट टेंस, तब ये वर्स्ट बुरी घटना है। द ग्रे मेटेलिक फोन जस्ट स्लिप ऑफ माय हैंड, जो ग्रे कलर का मेटेलिक फोन था मेरे हाथ से स्लिप हो गया, एंड फेल फ्लैट ऑन द मार्बल फ्लोर, और फ्लैट सीधा का सीधा ही, फेल फ्लैट, फेल फ्लैट मीन्स सीधा का सीधा गिर गया वो मार्बल फ्लोर के ऊपर। इट डिस्प्ले स्क्रीन शैटर्ड टू पीसेस, इसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन थी वो क्या हो गई, शैटर्ड टू पीसेस, टुकड़ों में बट गई, इट मीन्स ब्रोक हो गई, टूट गई। नाउ अब क्या, देखिए आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, बेटा इन दिस यू हैव टू राइट लाइक इट हैपेंड टू यू, जैसे आपके साथ ये घटना हो रही हो। नाउ माई मदर शाउटेड फ्रॉम द किचन, नाउ माई मदर शाउटेड फ्रॉम द किचन, कि मेरी मदर थी वो किचन से चिल्लाई, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, शी केम नियर मी एंड रिब्यूक मी, इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं, माई मदर शाउटेड फ्रॉम द किचन, देखिए जब फोन गिरा उसकी आवाज़ आई तो मदर को सुनाई दी, तो मदर ने उसको रिब्यूक किया, उसको डांटा, बट माई फादर, तो उसके फादर के बारे में क्या कहा उसने, डिड नॉट शाउट, ही डिड नॉट रिब्यूक मी, ना तो फादर ने डांटा ना रिब्यूक किया, ही जस्ट कम क्लोजर एंड स्ट्रोक माई हेयर, स्ट्रोक माई हेयर मीन्स मेरे बालों को सहलाया, एंड अ काम वॉइस ही सेड, काम वॉइस में कहा, क्या कहा, आई एम श्योर इट इज जस्ट एन एक्सीडेंट, आई एम श्योर इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट एंड यू हैव नॉट ड्रॉप्ड इट डेलिबरेटली, तुमने जानबूझ के इसको नहीं फेंका। तो इस तरह से बेटा आप अपने आप बनाएंगे, डोंट क्रैम द लाइंस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट इंडिपेंडेंटली बिकॉज दिस इज अ राइटिंग वर्क एंड यू हैव टू राइट योर सेल्फ, सो ट्राई टू राइट योर सेल्फ, गिव द आइडिया फ्रॉम दिस, ओनली गिव द आइडिया फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम द वर्डिंग दैट आई एम सेइंग, बट डोंट राइट like this, so I cried and hugged my dad। अब देखिए क्या हो गया, वो इमोशनल हो गया, कहता मैं क्राई करने लगा, अपने डैडी को हग किया, एंड क्या कहा, आई लव यू पापा। तो इस तरह से बातें आप राइट कर सकती हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई इंसिडेंस बताना है ऐसा, तो ही रीअश्योर्ड मी सेइंग दैट, तो इस तरह से सेइंग द फोन वॉज इंश्योर्ड, तो उसको कहते हैं कि फोन तो इंश्योर था, इंश्योरेंस उसका करवाया हुआ था। इस तरह से बेटा आपने ये लिखनी है, लास्ट में आप क्या करेंगे, व्हाट यू हैव टू राइट, गुड नाइट, लास्ट में जब आप एंड करेंगे गुड नाइट करके इसको एंड करें, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डायरी दैट यू हैव टू राइट इन योर बुक, इफ यू हैव ऑलरेडी रिटन देन यू Write on your paper. Thank you. Have a nice day.